सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए अगले अगले जो 50 क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कर लें, और आपके जो भी वैल्यूएबल सजेशंस हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम अपने वीडियोज़ को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रूल फॉर गियर रेशो ऑफ डिफरेंशियल इंडेक्सिंग इज गिवन बाय। तो जो डिफरेंशियल इंडक्शन का रूल जो होता है दैट इज गिवन बाय ए माइनस एन इंटू 40 डिवाइड बाय ए। तो इसका ऑप्शन है ए माइनस एन इंटू 40 बाय ए। अगला क्वेश्चन है, द डिवाइस नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर इज। यहाँ पे ऐसी कौन सी डिवाइस है जो प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ नहीं की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इसमें जो पायरोमीटर है, पायरोमीटर एक तापमापी है, हायर टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पायरोमीटर इज़ नॉट ए प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सो ऑप्शन विल बी पायरोमीटर। बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, द कुड्स बैक क्राइटेरिया फॉर मोबिलिटी ऑफ मैकेनिज्म हैविंग प्लेन मोशन इज गिवन बाय। तो दिस इज गिवन बाय एन इक्वस टू 3 इंटू एल माइनस 1 माइनस 2j माइनस एच। तो ऑप्शन है 3, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर जो n है, n इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, l इज़ द नंबर ऑफ लिंक्स, j इज़ द नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट, h इज़ द नंबर ऑफ हायर पेयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो हम लोग 11 12th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय साइंटिस्ट सीबैक। अगला क्वेश्चन है, द बीम इज लोडेड विथ सेम लोड रेट पर यूनिट लेंथ, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन। तो द बीम इज लोडेड विथ सेम लोड रेट पर यूनिट लेंथ इज नोन एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और अगर अपन बोलें कि द बीम इज लोडेड विथ डिफरेंट लोड रेट पर यूनिट लेंथ दैट इज नोन एज UVL, यानी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है ये होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, स्लिप गेजेस वर इन्वेंटेड बाय। तो जो स्लिप गेजेस थे वो साइंटिस्ट का नाम था CE जोहानसन, इन्होंने स्लिप गेजेस को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, एंटी स्किड सब सिस्टम्स आर अप्लाइड टू। जो एंटी स्किड सब सिस्टम्स हैं उनको कहाँ पर अप्लाई किया जाता है। तो एंटी स्किड सब सिस्टम्स आर अप्लाइड टू फ्रंट ब्रेक्स। ठीक है, अगला इसका ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रंट ब्रेक्स। अगला क्वेश्चन है, इन रेफ्रिजरेशन साइकिल इफ वेपर इज नॉट सुपर हीटेड आफ्टर कंप्रेशन देन इट इज कॉल्ड। देखिए जब भी अपन वेपर अगर सुपर हीट नहीं हुआ है आफ्टर कंप्रेशन, तो जो वो कंप्रेशन कहलाता है वो कहलाता है वेट कंप्रेशन, और अगर वेट जो वेपर है वो सुपर हीट हो गया है तो वो कहलाता है ड्राई कंप्रेशन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, वेट कंप्रेशन। अगला क्वेश्चन है, इन ए 4 degree फ्रीडम सिस्टम द नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज इज। दोस्तों जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतना ही उसका आइगन वैल्यूज भी होता है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 4। कॉमनली यूज मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेटल पाउडर इज बाय। तो जो मेटल पाउडर बनाया जाता है दैट इज मेड बाय ए प्रोसेस विच इज नोन एज एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन के थ्रू बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इफ हीट इंजन रिसीव्स Q1 kg मिनट ऑफ हीट एंड डस WKG ऑफ वर्क देन थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज गिवन बाय। तो दोस्तों हम लोग को मालूम है कि जो किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पे जो अपना आउटपुट है वर्क डन, है ना, और जो इनपुट है वो हीट सप्लाइड है यानी W/Q1, और परसेंटेज की बात करें तो इनटू 100। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इक्वल्स टू W/Q1 इनटू
100, दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं ऑप्शन में, जी हाँ, अच्छा W बाय क्यूब इंटू 100 होगा, पर यहाँ पर जो इसकी हीट जो Q1 जो दिया हुआ है, Q1 की यूनिट अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो Q1 की यूनिट दी है किलो जूल पर मिनट में, और जबकि जो वर्क है उसकी यूनिट दी है किलो जूल पर सेकेंड में। तो जब अपन इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे मिनट को, तो यहाँ पर एक 60 का मल्टीप्लाई होगा, और जब अपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू बाय 60, तो ये 60 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफिशिएंसी अपनी क्या हो जाएगी, 60 डब्ल्यू बाय क्यू 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विस्कोसिटी इज कंसीडर्ड एज, तो जो विस्कोसिटी है वो एक डायनामिक प्रॉपर्टी है, तो विस्कोसिटी इज ए डायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट विद इन ए ग्रुप मेजर्ड इज कॉल्ड, द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट विद इन ए ग्रुप ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड, आई थिंक प्रिसिशन, यस प्रिसिशन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट नॉच एंड वियर इज ट्रू, वियर ऑफ हाई वेलोसिटी एंड नॉच फॉर लो फ्लो, नहीं जो वियर होते हैं, वियर आर फोर 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 लार्ज डिस्चार्ज एंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जी हाँ, लार्ज डिस्चार्ज एंड नॉच फॉर स्मॉल डिस्चार्ज, तो यहाँ पे जिसका फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन तो वैसे एरर होना चाहिए, ठीक है, जब वो एरर होगा तो, पर यहाँ पे एरर है नहीं, तो वो दैट इज नोन एज स्टैटिक करेक्शन। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग सफिशियंट मॉइस्चर टू मोल्डिंग सैंड इज नोन एज, तो दोस्तों दिस इज नोन एज सैंड टेम्परिंग, है ना, द प्रोसेस ऑफ एडिंग सफिशियंट मॉइस्चर टू मोल्डिंग सैंड इज नोन एज सैंड टेम्परिंग। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसके और ऑप्शन देख लेते हैं अपन, सैंड कंडीशनिंग जो होता है, सैंड कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि जो सैंड की कंडीशन है उसको चेंज करना, यानी उसके जो साइज़ वगैरह हैं उनको सही से फाइन करना जो भी है, और सैंड मॉइस्चराइजिंग का मतलब क्या होता है, सैंड मॉइस्चराइजिंग एक्चुअल में क्या है, सैंड मॉइस्चर होता नहीं है, मॉइस्चर को सफिशेंट से ज़्यादा मतलब उसकी क्वांटिटी में जब उसको मिलाएंगे तो दैट इज़ नोन एज सैंड मॉइस्चराइजिंग, एक लिमिट मात्रा से ज़्यादा मिलाना दैट इज़ नोन एज सैंड मॉइस्चराइजिंग, और सैंड टेम्परिंग तो अपन देख ही चुके हैं, और सैंड मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग टाइप की सैंड होती है उनको मिक्स करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबमरीन्स वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, तो जो सबमरीन होती हैं वो आर्कमिडीज प्रिंसिपल जो होता है उसके ऊपर वर्क करती हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्नौली इक्वेशन इज कंसिडर्ड एज, तो दोस्तों जो बर्नौली इक्वेशन है वो एक एनर्जी इक्वेशन है ना, बर्नौली इक्वेशन इज ए एनर्जी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्ट ऑफ क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन ए प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड अननोन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, दैट इज नोन एज मेजरमेंट। अगला क्वेश्चन, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द डैम इन ऑर्डर टू अवॉइड डैमेज और ओवरफ्लो इज कॉल्ड, दैट इज नोन एज स्पिलवेज। इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स देन द फ्लो इज टर्म्ड एज यूनिफॉर्म फ्लो, अगर स्पेस के साथ में वेलोसिटी की जो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो वो जो फ्लो होता है वो कहलाता है यूनिफॉर्म फ्लो। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये कैंसल्ड हो गया है, क्योंकि यहाँ पर उसने जो पूछा है कैंसल हो गया था ये क्वेश्चन, यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ डाटा इनसफिशिएंट है, यहाँ पे अपने को फेल्युअर स्ट्रेस निकालना है, तो जो फेल्युअर स्ट्रेस निकालने के लिए पहले तो बीम का क्रॉस सेक्शन देना चाहिए, और जो बीम किस मटेरियल की बनी है उसकी स्ट्रेंथ हमने को देना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कैप ऑन द रेडिएटर इन द कूलिंग सिस्टम, तो जो प्रेशर कैप लगा होता है रेडिएटर में उसका काम होता है कि जो प्रेशर है एयर का प्रेशर है उसको बढ़ाना, इंक्रीज एयर प्रेशर। अगला क्वेश्चन है, पैरेलल लाइंस आर ड्रॉ यूजिंग
ऑफसेट कमांड से, जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कैड सिस्टम में हम लोग ऑफसेट कमांड से ड्रॉ कर सकते हैं। द ट्रांसमिशन दैट यूजेस ड्यूल क्लच टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड, ऐसा ट्रांसमिशन जो ड्यूल क्लच टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है दैट इज़ नोन एज ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन यानी AMT। अगला क्वेश्चन है द हाइएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ आइदर ए बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट इज कॉल्ड, हायर स्टैंडर्ड बेस यूनिट और ड्राइव प्राइमरी दैट इज नोन एज प्राइमरी। अगला क्वेश्चन है द हैंड ब्रेक इन ऑटोमोबाइल्स आर बिल्ड बाय, तो जो हैंड ब्रेक होते हैं वो बनाए जाते हैं डिस्क ब्रेक नहीं, बोथ एक्सटर्नल नो एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग टाइप ब्रेक ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन, जैसा कि हम यहाँ पे देख ही रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन द पर्पज ऑफ बीम इंजन इज टू कन्वर्ट, जो बीम इंजन होता है उसका पर्पज होता है कि जो रोटरी मोशन है उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करना, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं द साइज ऑफ एयर कोर ट्रांसड्यूजर इन कंपेरिजन टू देयर आयरन कोर पार्ट इन वायु सॉरी आयरन कोर काउंटर पार्ट इज, तो द साइज यहाँ पे जो उसका ऑप्शन आएगा द साइज ऑफ एयर कोर ट्रांसड्यूजर इन कंपेरिजन टू देयर आयरन कोर काउंटर पार्ट, अच्छा एयर कोर जो ट्रांसड्यूजर होते हैं उनका साइज उनके आयरन कोर काउंटर पार्ट से बड़ा होता है। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है द ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग एंड साइजिंग ए ड्रिल होल इज कॉल्ड, कोई भी ड्रिल होल को अगर फिनिशिंग करना है और उसकी साइजिंग करना है दैट इज नोन एज रीमिंग, और किसी भी होल की साइज को बड़ा करना यानी बड़ा करना पहले से कोई होल है उसको बड़ा करना दैट इज नोन एज बोरिंग, और फोर्जिंग जो होता है फोर्जिंग किसी चीज़ को ढालना है ना, और फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है किसी चीज़ में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइंस ऑफ फ्रंट एंड रियर एक्सल इज रेफर्ड एज, जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस होती है सेंटर लाइंस ऑफ फ्रंट एंड रियर एक्सल इज नोन एज व्हील बेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन TCS इज एन एक्रोनिम ऑफ, जो TCS होता है दैट इज नोन एज ऑटोमोबाइल का टर्म है दैट इज नोन एज ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। अगला क्वेश्चन कैट कैम इज द रिलेशनशिप बिटवीन, जैसे आपको मालूम है कि जो कैट का फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पर जो होगा रिलेशन वो होगा डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगला क्वेश्चन है कैन इन वायरिंग हार्नेस ऑफ एन ऑटोमोबाइल रेफर्स टू कंट्रोलर एरिया नेटवर्क कंप्यूटेड अलर्ट नेटवर्क, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीजल कैन बी इंजेक्टेड अप टू ए प्रेशर ऑफ बार इन CRDI इंजन, जो CRDI इंजन होता है उसमें जो डीजल होता है करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ 3000। अगला क्वेश्चन देखते हैं DPF इज द एक्रोनिम ऑफ, जो DPF है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो DPF का फुल फॉर्म होता है डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इंजन कूलिंग बिकम्स इजी व्हेन इट इज प्लेस्ड एट दी, तो जो इंजन है जब भी उसको फ्रंट में रखा जाता है तो वहाँ पर कूलिंग आसान हो जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट फ्रंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेजरमेंट प्रोवाइड विथ मींस ऑफ डिस्क्राइबिंग नेचुरल फिनोमेना इंस, जो मेजरमेंट होता है वो क्वांटिटेटिव जो देता है दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं इफ ए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 4 मीटर पर सेकेंड एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज 5 न्यूटन द फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमको मालूम है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इज गिवन बाय 1/2 mv² तो जो पर दिक्कत ये है कि यहाँ पे मास नहीं दिया है तो यहाँ पे दिया हुआ है फोर्स, और फोर्स होता है मास इंटू जी या ए बोलें क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स दिया हुआ है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो फोर्स दिया हुआ है आपको 5 न्यूटन दिया हुआ है और ग्रेविटी आपको 10 दी है, तो इस तरीके से यहाँ पे मास हो जाएगा
मास इक्वल्स टू एफ बाय जी यानी इक्वल्स टू 5/10। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अपन निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो निकलेगी वो निकलेगी 1/2 इंटू 5/10 इंटू 4 का स्क्वायर। तो 5 2 जा 4 और एक 4 से 4 की पावर जाएगी तो आंसर आएगा 4। तो इसका ऑप्शन आएगा 4 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ गियर बी मूव्स अराउंड गियर ए अबाउट ए फिक्स्ड आर्म देन द मोशन इज कॉल्ड, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एपिसाइक्लिक मोशन। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस विड्थ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम इज 10 सेंटीमीटर एंड स्प्रिंग वैल्यू इज 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, देन मीन इफेक्टिव प्रेशर विल बी। तो यहाँ पे जो मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालते हैं वो मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होगा, जो ये डायरिया है सॉरी डायग्राम है एक्चुअल डायग्राम का, एक्चुअल डायग्राम मल्टीप्लाइड बाय स्प्रिंग वैल्यू डिवाइड बाय विथ बेस विथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। तो इसको डिवाइड करेंगे तो अपन क्या देखेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 2/5 जा 10। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए सिलेंड्रिकल वर्कपीस ऑफ डायमीटर 20 mm एंड रोटेटिंग एट 300 rpm विल हैव ए कटिंग स्पीड ऑफ। तो दोस्तों ये जो आता है कटिंग स्पीड, दैट इज इसको कहते हैं कटिंग स्पीड पाई डी एन से कटिंग स्पीड निकलेगी। जहाँ पे आप वैल्यू रख के आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो आंसर वो आएगा फर्स्ट 6। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ पाइप विथ डायमीटर 100 mm एंड वेलोसिटी 100 meter per second एंड चेजीज कॉन्स्टेंसी इक्वल्स टू 50। तो जब भी चेजीज कॉन्स्टेंट दिया रहता है तो वहाँ पे पहले तो अपने को निकालना पड़ेगा चेजीज का जो फॉर्मूला होता है, उस वेलोसिटी इक्वल्स टू चेजीज कॉन्स्टेंट इंटू एम इंटू हाइड्रोलिक डेप्थ पर लेंथ, है ना। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे m इंटू एच एफ बाई एल, तो यहाँ पे जो m है, m इज़ द मास, c इज़ द चेजिस कॉन्स्टेंट और v इज़ द वेलोसिटी। ये सारी वैल्यूज को रख के जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आएगा 160। और यहाँ पे एक आपको चीज़ ध्यान देना पड़ेगी कि यहाँ पे जो डायमीटर है वो 100 mm में दिया हुआ है ना, जबकि वेलोसिटी आपको मीटर में दी हुई है। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, जब इसको चेंज करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे जो m होता है, m इज़ नोन एज, जो m होगा m कहलाएगा हाइड्रोलिक डेप्थ, m कहलाएगा हाइड्रोलिक डेप्थ। और जो m होता है m इक्वल्स टू d/4 डायमीटर डिवाइड बाय 4। सारी वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 160। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए लोड ऑफ 3000 न्यूटन इफ द स्ट्रेस इज 100 Nm² द डायमीटर ऑफ रॉड विल बी। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, अपने को मालूम है, अपन जानते हैं कि जो स्ट्रेस होता है स्ट्रेस सिग्मा इक्वल्स टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। एरिया होता है π/4d², यहाँ पर आपको फोर्स आपको दिया हुआ है, स्ट्रेस भी आपको दिया है। वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए, वैल्यू रखने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा √120/π/m। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू 3×10⁵ रेशो 1/4 मॉडुलस। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस के हिसाब से अपन इसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं। चूँकि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो अपने को पहले मालूम होना चाहिए कि जो रिलेशन होता है बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू यंग मॉडुलस डिवाइड बाय 3×1 -2 μ। दिस इज द रिलेशन।
यहाँ पे म्यू जो है ये म्यू, दिस इज पॉइजन रेशो है ना, दिस इज यंग्स मॉडुलस और दिस इज बल्क मॉडुलस। तो इसको रख के जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें से कोई सा भी मैच नहीं करेगा। दिस मीन्स यहाँ पर जो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, इसलिए क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बैरोमीटर रीड्स 70 mm ऑफ एच जी, देन वाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन SI यूनिट। दोस्तों यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये गलत दिया हुआ है, पर इसको अपन करने के लिए क्या करते हैं, अगर 70 mm ऑफ एच जी दिया हुआ है तो इसको SI यूनिट में करने के लिए यानी P इक्वल्स टू रो जी एच लगाएंगे। और यहाँ पे रो जो होगा, रो मरकरी के लिए कितना होता है 136,000 है ना, और जी की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन भी कैंसिल किया गया है ना। पर अगर इसका आंसर यहाँ पे होता है तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी, इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द क्रैंक एंगल आफ्टर एग्जॉस्ट स्ट्रोक इन विच बोथ इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व आर ओपन। अच्छा, एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व दोनों ओपन रहें तो वो क्या कहलाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दे दिया पॉजिटिव ओवरलैप, जबकि वो ओवरलैप होता ही नहीं है। ठीक है, इसका हिसाब से क्वेश्चन गलत है, दोनों वाल्व ओपन रहते हैं तो दैट इज नॉट ओवरलैप। अगला क्वेश्चन है, ए स्ट्रेन शुड हैव, ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़े से मिसप्रिंट है, यहाँ पे स्ट्रेन की जगह पे स्ट्रेन गेज होना चाहिए था, स्ट्रेन गेज शुड हैव लो, तो इसमें ऑप्शन आएगा रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ओनली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, ये क्वेश्चन तो सीरियसली मैं बोलूँ कि मुझे पता नहीं कि क्यों कैंसिल किया गया है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस नहीं करता हूँ, जो मुझे पता नहीं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ माइल्ड स्टील इन फोर्जिंग। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक थोड़ा सा गलती कर दी इन्होंने कि जो फोर्जिंग लिखा है, फोर्जिंग को इन्होंने क्या हॉट लिखना चाहिए था, हॉट फोर्जिंग, क्योंकि फोर्जिंग भी दो टाइप की होती है, हॉट फोर्जिंग और कोल्ड फोर्जिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो होना चाहिए था हॉट फोर्जिंग। अगर हॉट फोर्जिंग ऑप्शन आता तो स्टील का टेम्परेचर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए था। चलिए दोस्तों, आज के ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ये पेपर पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें। हो सकता है कि अगर आपको वीडियो पसंद नहीं भी आया हो तो भी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और वैल्यूएबल सजेशंस आप हमें दें ताकि मैं अपने वीडियोस में इम्प्रूवमेंट ला सकूं। मैं अभी यूट्यूब पे नया हूं तो हो सकता है कि उस लेवल का वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने कमेंट सजेशंस को कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।